दोस्तों डेप्थ यानी कर्ज क्या है और इससे कंट्री की क्या हालत होती है आप पाकिस्तान और श्रीलंका को देखकर समझ सकते हो। और इंडिया की बात करते हो, इंडिया की डेप्थ स्टेबल है और इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया की कुछ ऐसी स्टेट है जिनका हालात सही नहीं है, जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। और हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें RBI ने 5 स्टेट की लिस्ट जारी की और बताया कि इन 5 स्टेट के ऊपर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कर्ज है और इनका कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। और देखा गया है कि इन स्टेट की जो खर्चा है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन स्टेट के बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्जे के ब्याज चुकाने में यानी इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। और RBI ने यह कहा है कि अगर इन स्टेट ने अपने खर्चे के ऊपर काबू नहीं पाया और ऐसे ही कर्ज बढ़ते चला गया तो ये स्टेट बहुत ही जल्दी डेब्ट ट्रैप पे फंस सकते हैं। देखो डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कि जब आपको पिछला कर्ज चुकाने के लिए फिर से नया कर्ज लेना पड़ता है और ऐसे में आपका कर्ज लगातार बढ़ते ही रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है श्रीलंका और पाकिस्तान। और इस टाइप का समस्या ना हो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक राज्य के ऊपर कितना कर्ज होना चाहिए। और उस कमेटी के रूल्स के अनुसार एक राज्य की कर्ज उसकी GDP का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब डेब्ट टू GDP रेशियो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मान लो उत्तर प्रदेश का GDP है 200 रुपया। अब उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है उनका कर्ज 200 रुपये का 20% यानी 40 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उन स्टेट को फाइनेंशियली हेल्दी और स्टेबल कहा जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि RBI ने जिस 5 स्टेट की लिस्ट जारी की है उनकी डेब्ट टू GDP रेशियो 20% से बहुत ज़्यादा है। और चलिए जानते हैं वो इंडिया के 5 स्टेट जिनके ऊपर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कर्ज है। तो कर्ज लेने के मामले में 5th पोजीशन पे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता और वेस्ट बंगाल की डेब्ट टू GDP रेशियो है 20% के जगह 34.4% टोटल GDP के। 4th पोजीशन पे है केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरला की डेब्ट टू GDP रेशियो है 37%। और 3rd पोजीशन पे बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार की डेब्ट टू GDP रेशियो है 38.6%। 2nd पोजीशन पे राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान का डेब्ट टू GDP रेशियो है 39.5% का। और 1st पोजीशन पे पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब की डेब्ट टू GDP रेशियो है 45.9% का। तो दोस्तों पंजाब की हालत बहुत ख़राब है और पंजाब की GDP का करीबन 0.5% ही कर्ज है और आज के टाइम पे पंजाब इंडिया की सबसे ज़्यादा कर्ज वाला स्टेट है। अब दोस्तों चलिए समझते हैं कि इन कारणों के वजह से इन राज्यों के ऊपर इतना कर्ज बढ़ा है। RBI ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि इन राज्यों के ऊपर कर्ज बढ़ने का मेन कारण है लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इन राज्य का सरकार अपनी बजट का 90% हिस्सा सैलरी पेंशन सब्सिडीज और इंटरेस्ट ऑफ लोन पे करने में खर्च कर देती है। राज्य का डेवलपमेंट में सिर्फ 10% खर्च करती है जिसके चलते इन राज्य के इनकम सोर्सेज ज़्यादा तेजी से नहीं भर पाता है जिससे इन राज्यों को नेक्स्ट ईयर फिर कर्ज लेना पड़ता है। इसके अलावा इन राज्य में सरकार जनता को फ्री बीज भी देती है। फ्री बीज का मतलब होता है राज्य सरकार इलेक्शन जीतने के लिए जनता से बहुत सारे वादे करते हैं और फिर इलेक्शन जीतने के बाद पानी में सब्सिडी, बिजली में सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी और कुछ स्टेट में तो सरकार अपनी जनता के बैंक अकाउंट में हर महीने एक छोटा अमाउंट भी भेजता है। और इन सब फ्री बीज और सब्सिडीज की वजह से राज्य सरकार का ज़्यादातर पैसा इन सब में खर्च हो जाता है और फिर सरकार का कर्ज बढ़ता ही रहता है। अब बात आता है कि कैसे इन राज्यों का कर्ज कम हो सकता है। तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों को अपनी बजट का 1/3 हिस्सा डेवलपमेंट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना पड़ेगा। RBI ने कहा है कि राज्यों को अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एडुकेशन इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर फैसिलिटी में इन्वेस्ट करनी होगी, प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करनी होगी, इसके अलावा मैनेजमेंट और करप्शन के ऊपर भी ध्यान देनी होगी। और इसके साथ साथ राज्यों के कर्ज कम करने के लिए राज्य सरकार को फ्रीबीज देना कम करना होगा, सिर्फ ज़रूरतमंद को ही सब्सिडी देनी होगी और इलेक्शन जीतने के लिए उठपटंग वादों से बचना होगा, तभी राज्यों के कर्ज कम हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।